हेलो एवरीवन, ये लाइव में आपका मोस्ट वेलकम। और ये शावर का पाइप मेरा बिल्कुल बेकार है, तो ये मेरा ख़राब है, तो मैं इसका क्या बनाने वाली हूँ, आइए देखिए लास्ट तक। और देखिए, इस वीडियो को आप देखेंगे तो अपने पाइप क्या कोई भी कूड़ा कचरा आप घर के बाहर नहीं फेंकेंगे। देखिए, अगर आपके पास भी है तो इसे बिल्कुल भी मत फेंकना, इसका बहुत अच्छा यूज है अपने गार्डन में, तो बहुत ही अच्छा यूज इसका होने वाला है। और देखिए, इस साबर का यहाँ से कट कर दूँगी मैं पहले, और इसको भी यहाँ से कट कर दूँगी। तो मुझे चाहिए प्लेन पाइप, एक कटर की सहायता से मैं इसको कट कर दूँगी। जो साबर होता है इसको मैंने कट कर लिया, और दूसरी साइड से भी मैंने इसको कट कर लिया, बस मुझे चाहिए प्लेन पाइप। और देखिए, इस पाइप को मैं तीन भाग में बांटूँगी, एक कट यहाँ लगाऊँगी, इसको काट के तीन टुकड़े कर दूंगी इसके। और मुझे थोड़ी सी वायर भी चाहिए, ये पतली सॉफ्ट वाली, तो मैं इसको, जो ये मैंने प्लास्टिक की पाइप है, तो इनसे दो दो इंच बड़ी में काटूंगी, तीन पीस में निकालूंगी इसमें से, मैं इसकी हेल्प से इसको काट लूंगी। और देखिए, ये तीन पाइप है और तीन मैंने ये वायर ले लिए, कट कर लिए, क्योंकि कट करते हुए मैंने इसलिए नहीं दिखाया। और मैंने इससे काटा, ये जो कटर होता है गुलाब के प्लांट वगैरह के लिए ले रखा है मैंने ये कटर, तो अगर प्लास होगा तो उससे जल्दी कट जाता, पर मेरा प्लास मुझे मिला नहीं, तो इसलिए मैंने इससे काटा, उससे टाइम लगा, इसलिए लंबी हो जाती वीडियो, इसलिए मैंने वो दिखाया नहीं पूरा काटते हुए। और अब मैं ये तीनों पाइप में तार डाल दूँगी, वायर जो मैंने काटे थे इसमें भी डाल दिया, और एक इसमें रहेगी, इसमें भी डाल देती हूँ। ये देखिए, ये आ गई है इसमें भी। और अब मैं इसको क्या काम करूँ, और देखिए, ये जो वायर है तो इसको आपस में इसको हम बांध देंगे मोड़ के। देखिए, जैसे भी आपसे हो, तो या तो प्लास की सहायता से, और मैं मोड़ के ये जो तार दिख रहा है ये इसके अंदर डाल देंगे, और इधर से भी ये इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए, कुछ थोड़ा सा ये ऐसे मोड़ देंगे, और इसको पतला बिल्कुल इसको इससे दबा देंगे। अब ये क्या होगा, ये हमें दिखाई नहीं देगा बिल्कुल, तो इसके अंदर ये सेट हो जाएगा। ये देखिए पूरा, अब ये इसके अंदर बिल्कुल फिट आ जाएगा। थोड़ा सा और दबाना है मुझे, तो इससे मैं प्लास से सही करूँगी अभी। अब देखिए, ये एक बिल्कुल ये गोल हो गया है, तो ये देखिए, अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये, तो ये मैं इस पर यहाँ पे टेप मार दूँगी, जो भी आपके पास टेप है, तो ये मेरे पास चमकी टेप है, तो इसको मैं यहाँ पे मार दूँगी। इसको मिला लेते हैं पहले जोड़ को, और तब जो है इसमें टेप लगा दूँगी। और देखिए, इसको हम कई बार लपेट देंगे, जिससे ये जो है जोड़ खुले ना, चार पांच बार कम से कम लपेट देंगे। अब ये देखिए, बिल्कुल ये गोल हो गया है, और मैं इसको कट कर दूंगी। तो एक तो मैंने गोल बनाया, और दूसरा वो अलग अलग ढंग से बनाऊंगी तीनों को इनको, और चाहे तो कलर करने की इसमें ज़रूरत नहीं, चाहे वाइट भी रख सकते हैं। ये अपने चमकी टेप से इसको जगह जगह या पूरे में ही इसको लपेट सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत लगेगा ये, मतलब इसमें पाइप ऐसा नहीं लगेगा, ये पाइप का है। इसको लगा देती हूँ, ऐसे लपेटती चली जाऊँगी इसमें, और ये पाइप फिर दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी। और देखिए, ये मैंने खींच खींच के इसको टेढ़ा टेढ़ा करके और इसको लपेट दिया, तो क्योंकि इसमें टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने आपको पूरा नहीं दिखाया। ये देखिए, अब यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी। और देखिए, अभी तक तो ये पाइप दिख रहा था, अब देखिए कितना सुंदर गोल गोल ये, इसको लपेटने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है, पता भी नहीं लग रहा कि ये पाइप है क्या है। तो ये देखिए, इनका भी मैं कुछ करती हूँ, इनका कुछ अलग ढंग से बनाने वाली हूँ।
और देखिए एक को तो राउंड दिया और इसको कुछ इस तरह से दिया मैंने, तो ये ओवल कह सकते हैं इसको। तो ये देखिए, तो मैं यहाँ से नहीं लपेटूंगी इसको, यहाँ से लपेटूंगी इसको, इसको ऐसे छोड़ दूंगी और इसको भी मैं चमकी टेप से ये देखिए लपेट दूंगी। और इसको मैंने रेड दिया, तो देखिए ये जो टेप मैं दिखा रही हूँ आपको, तो ये बहुत महंगे नहीं मिलते, 10-10 रुपए के मिलते हैं। और ये देखिए इसमें एक क्या जरा सा लगा है, 4-5 में लग जाएगा, 1-10 रुपए का, तो ये बहुत सस्ता होता है और ये खूबसूरत भी लगता है। मैंने पहले भी आपको गमले में कहीं कई बार इसको इसका यूज किया है, तो इसको मैं पूरा लपेट के फिर दिखा दूँगा। और ये देखिए दूसरा भी तैयार हो गया, और देखिए एक तो गोल हो गया और एक ये ओवल हो गया, और इसका मैं थोड़ा तीसरे का कुछ अलग शेप देने वाली हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ से ये हुक की तरह ये मोड़ दिया है, और ये देखिए इसको भी मैं इस तरह यहाँ से मोड़ूँगी, इस तरह से इसको गोल थोड़ा सा बड़ा मोड़ूँगी, तो ये बिल्कुल जो है इसकी शेप ऐसी आएगी जैसे हैंगर होता है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा और मोड़ूँगी ऐसे करके, तो बिल्कुल ये हैंगर की टाइप में लगेगा, और इसको मैं यहाँ से गोल कर दूँगी। तो ये मुझे इसकी प्लास की मदद लेनी पड़ेगी, ये कटर है प्लास। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरह, और इसको हाथ से ही मोड़ देंगे, वैसे सॉफ्ट होता है, चाहे आपके पास कोई प्लास है या नहीं है कोई बात नहीं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसका मैं ये हैंगर बना दूँगी, जैसे कपड़े टांगने का हैंगर नहीं होता उसी टाइप से। और इसमें ये देखिए ये मैंने यहाँ से ये छोटा सा गोल कर दिया जैसे हैंगर में होता, तो मैं इसको यहाँ से टच मतलब इसमें डाल दूँगी। तो ये थोड़ा तीसरा हमारा अलग टाइप का हो जाएगा, और फिर मैं दिखाती हूँ। तो चाहे तो इस पर टेप मैं लगा भी सकती हूँ, और चाहे मत भी लगाओ, थोड़ा एक आध आइटम ऐसा लगेगा। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, ये इस तरह से इसको हैंगर की तरह इस तरह हम मोड़ देंगे। तो ये मैंने जो तार डाला ना, तो देखिए मुझे इसकी बहुत हेल्प मिली, और ये मैंने जो वायर डाली थी तो इसकी वजह से ये कहीं को भी हम मोड़ सकते हैं, कोई भी हम शेप ले सकते हैं इसकी, तो ये बिल्कुल हैंगर लगेगा। तो इस तरह मैं इसको मोड़ दूँगी, और फिर ये इस तरह से ये हैंगर बन जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा एक छोटा सा ये हैंगर बन गया इसका हमारा, ये देखिए यहाँ से। तो इसको हम ऐसे लटका सकते हैं, और मैं ये देखिए मैं इसमें लगाने वाली क्या क्या हूँ तीनों में, तो ये देखिए अभी और मोड़ देंगे तो बिल्कुल हैंगर लगेगा ये इस टाइप से। और देखिए ये हैंगर की शेप में आ गया है, बिल्कुल एक हैंगर हो गया जैसे कपड़े लटकाने वाला होता है, बट इसमें मुझे कपड़े नहीं लटकाने, इसमें तो मुझे अपने ये तो मैंने अपने गार्डन के लिए बनाया है, तो मैं जो भी मुझे लटकाना है तो मैं इसको और मोड़ देती हूँ, तो बिल्कुल और भी हो जाएगा ये देखिए इस तरह से। और देखिए मैंने इसमें डोरी बांध दी है इसको लटकाने के लिए अपने गार्डन में, तो इसमें मैं कुछ लगाने वाली हूँ। एक मुझे ये जार चाहिए छोटा सा, और इसमें भी ये डोरी बांध के, तो इसमें मैं कुछ प्लांट डालने वाली हूँ बटर वाली। और देखिए ये जो गोल वाला था राउंड वाला, तो मैंने इसमें 3 डोरी बांध लिए, और देखिए मैंने इनको तैयार कर दिया है पूरा। तो अब मैं इन्हें अपने गार्डन में आ गई, इन्हें लटकाने वाली हूँ, तो क्योंकि मैंने अपने गार्डन के हिसाब से बनाई। अगर आप अंदर भी लटकाना चाहते हैं रूम में और ड्राइंग रूम में, तो इनको लटका सकते हैं। तो अब मैं दिखाने वाली हूँ कैसे कैसे लटकाने वाली हूँ, क्या क्या इसमें लगाने वाली हूँ। तो और ये देखिए मैंने इसको लटका दिया है, ये गोल वाला है, तो ये मैंने किस लिए बनाया है, तो जैसे हमारे पास नीचे रखने के लिए स्पेस कम होता है, तो हम ऊपर ये वाले गमले हम ऊपर रख सकते हैं। तो इसमें ये देखिए मैं ऐसे रख के दिखाती हूँ इसमें आपको, तो मैंने ये इसी के ही हिसाब से बनाया। देखिए मैंने इसको अपने ये देखिए गार्डन में लटका दिया है, और ये मैंने इसको गमला ये रख भी दिया है। देखिए इसमें ये कितना खूबसूरत ये लग रहा है, क्योंकि हम ये वाले गमले जो है ये लटका नहीं सकते, क्योंकि ये टूट जाते हैं अगर इनको बांधेंगे तो इस तरह से हम ये देखिए पाइप के ये बना सकते हैं। तो ये कितना खूबसूरत इसमें लुक भी आ गया है। तो अगर स्पेस कम है तो इस तरह आप बना सकते हैं। और ये देखिए ये जो मैंने हैंगर बनाया था, तो हैंगर भी ये देखिए कितना खूबसूरत पूरा हैंगर ही लग रहा है।
तो ये देखिए इसमें मैंने एक बीच में इसको ये लटका दिया, तो ये भी मैंने हाथ से बनाया था बोतल का, तो ये मेरे पास बने हुए रखे थे, पहले बनाई थी बोतलों से ये सजाया था, तो ये डेकोरेट किया था कलर। देखिए हैंगर वाले में मैंने किसको लटकाया है, तो ये हैंगर में मैंने ये देखिए बिल्कुल एकदम हैंगर लग रहा है लुक इसका, तो मैंने इसमें ये इसमें प्लांट लगा दिए हैं, ये वेंडिंग जू है और पर्पल आर्ट। और ये देखिए ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है इसमें मनी प्लांट, ये देखिए इसमें मैंने हैंग कर, और देखिए इसमें मैंने मनी प्लांट रख दिया पानी के अंदर, तो ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है, ये ओवल साइज का था, तो ये देखिए इसका लुक भी कुछ इस तरह का लग रहा है इसमें मैंने ये। और हम इसको कहीं भी लटका सकते हैं अपने, जहाँ भी हमारे पास स्पेस है घर के अंदर भी हम इनको लटका सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं ये बना के, ये देखिए। और ये भी इस तरह से लग रहा है कुछ इसका लुक, और यहाँ इसका लुक कुछ इस तरह से लग रहा है, ये देखिए। तो ये तीनों का लुक कैसा लग रहा है, बेस्ट का वेस्ट बना या नहीं बना, एक लाइक करके ज़रूर बताना, अगर आप लाइक करते हो तो मैं समझ आऊँगी कि हाँ बेस्ट का बेस्ट बन गया है। तो अगर आप भी बनाना चाहें, स्पेस नहीं है तो बिल्कुल बना लीजिए, इसको बहुत ईजी है, कोई भी पाइप पड़ा है हमारे पास तो हमको हम यूज उसका कर सकते हैं इस तरह, देखिए कितना खूबसूरत। और लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका।